नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया आने वाली है। सभी का अक्षय तृतीया को लेकर मन में भी रहता है कब है, और 22 और 23 इन दो तारीख को थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं कि कौन सी तिथि में हम अक्षय तृतीया को मनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया इस साल इस महीने में कब पड़ रही है। देखिए, वैशाख महीने के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, उसी को हम अक्षय तृतीया का त्यौहार उस दिन हम मनाते हैं। कई जगहों पर अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि कुछ भी कभी नष्ट ना हुआ हो। और इसीलिए कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं वो पूरे साल भर तक हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करती है। और हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 2023 की सही तारीख को लेकर लोग जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है, जबकि कुछ 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया होने की बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अक्षय तृतीया की तिथि को हम जानने की कोशिश करें तो जो इसका जो शुभ मुहूर्त है, अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल दिन शनिवार सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक रहने वाला है, जो कि पूजा की अवधि आपको 4:31 तक रहेगी। और जो तृतीया तिथि समाप्त हो रही है वो 23 अप्रैल 2023 सुबह 7:47 यानी 8 बजे तक, 23 अप्रैल को 8 बजे तक तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सोचिए 23 तारीख को फिर हम जो अक्षय तृतीया है कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे मना सकते हैं। तो इसलिए तिथि जो है 22 तारीख को पूरे दिन रहने वाली है, इसलिए 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। और जो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है, इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ रहता है, वो आप 22 अप्रैल को 7:49 से 23 अप्रैल यानी पूरा दिन आपको जो है 21:59 तक का आपको शुभ समय जो है सोने की खरीदारी के लिए भी मिल रहा है। अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करनी है? अक्षय तृतीया के दिन जो है उस दिन सुबह 22 तारीख को सुबह जल्दी उठकर पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें पीले फूल तुलसी की दल अर्पित करें। भगवान के सामने दीपक और धूप जलाएं। आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु आरती भजन से भगवान विष्णु उनके अवतार परशुराम जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी की खरीदारी अवश्य करें, इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन 14 प्रकार के दान कार्यों में से कोई एक कार्य भी आप कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है आप सोना खरीदें, इस दिन आप शंख जरूर खरीदें। आज के दिन क्या होता है, प्रॉपर्टी और जितने भी आप मूल्यवान वस्तुएं हैं, गाड़ी है, नया मकान खरीद रहे हैं, गृह प्रवेश है, तो अक्षय तृतीया कहते हैं कि इसमें आपको किसी पंडित से डेट वेट भी नहीं दिखानी पड़ती, आप इस दिन अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था अक्षय तृतीया के लिए आज की। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। और दोस्तों, दान में आप घड़ा, खरबूजा और इस तरह की चीज़ें, छतरी, वैसाख मास में गर्मी बहुत पड़ती है तो इस तरह की व्यवस्था कर दे, इस तरह का दान जरूर करें। सत्तू जरूर खाए और सत्तू का दान भी करें। और पूजा में विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करें। विष्णु भगवान जी से संबंधित जो भी पीली सामग्री, भोज्य पदार्थ है, खाना है, प्रसाद है, वो इसी तरह से आप भगवान जी को अर्पित कीजिए। लक्ष्मी माँ के लिए खीर बनाइए, कमल और गुलाब के फूल और श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाइए। तो इस तरह से आप जो है अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी ले आइए, चांदी नहीं तो भगवान जी के पूजा के बर्तन होते हैं वो भी आज के दिन आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर में सफाई रखें और बहुत अच्छे पकवान बनाएं। अक्षय तृतीया आपके लिए बेहद शुभ रहे। धन्यवाद।